हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी का एक वीडियो है हिंदू और मुस्लिम के बारे में। तो चलिए पहले और शायद टाइटल में लिखा है कि पहली बार बयान के बीच में वो रोए, इमोशनल हुए, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूँ। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही। आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर दो पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर, टॉप 10 में तो एक एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूँ, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये, यू नो, एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादा देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मजाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली उन्होंने नहीं की थी, तो जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है किसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन हवा की तरह हिफाजत, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पैसा छोड़ दिया, मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में जगह मिले। उसके लिए मुझे ये फिक्र नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते। आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे आपको दिखेगा जाकिर मस्जिद में जूते चोरी कर रहा है, जाकिर नाइक मस्जिद में जूते चोरी कर रहा है। अभी जो भी जाकिर को जानता है उसने जिंदगी छोड़ दी कि जूते चोरी करेगा, लेकिन जो लोग खिलाफ है, हाँ जाकिर चोर है, जूता चोर है, हाँ ठीक है भाई, मैं जवाब भी नहीं देता हूं। आप समझे ना, क्योंकि कहावत है, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप तक पहुंचे ही नहीं। तो मेरा अनुभव हो गया है, राधनपुर में हम आज सुबह ही बात कर रहे थे, तो कोई मुसलमान भाई ऐसा बोल रहा था, वो हमारा संप्रदाय से अलग है, जाकिर भाई अलग है, अलग है। तो चलो समी चलते हैं, इमरान ने बुलाया है, तो बोले वो हमारा संप्रदाय में नहीं आते, वो अलग बनते। मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में आता हूं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं और अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान लाता हूं। जो भी कुरान और सही हदीस से हट जाता है तो मैं कहता हूं भाई, मैं सिर्फ कुरान और सही हदीस। कोई भी शख्स, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी फिरके का हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर कुरान की आयत पेश करता है मैं उसे कबूल करता हूँ, सही हदीस पेश करता हूँ कबूल करता हूँ, अगर दूसरा कुछ पेश करता है कि इसने कहा उसने कहा, तो मैं कहता हूँ भाई कुरान और सही हदीस की रोशनी में सही है तो मैं मानता हूँ,
वरना मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपने आप को कभी आलिम ही नहीं कहता हूँ, मैं स्कॉलर भी नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूँ, लेकिन जो भी कहता हूँ कुरान में से हवाला देता हूँ। तो दूसरे लोग को जरा हलक से उतरता नहीं, हवाला देता हूँ फटाफट। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मदद है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास बहुत इल्म है, बहुत कम इल्म हूँ, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे हुनर दिया है मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम दूसरे तक पहुँचाए। तो ये चीज होने ही वाली है, और इसकी मिसाल है कि आज तारीख में सबसे पहले इंसान से लेके आज तक सबसे मशहूर इंसान कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं कहता हूँ, गैर मुसलमान कहते हैं, माइकल आज कहता है, थॉमस कैरल कहते हैं, सबसे ज्यादा किताब अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़े तो मैं क्या हूं? मैं तो कुछ हूं ही नहीं कंपेयर में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूं? मेरा तो कंपैरिजन भी नहीं है। हमें काम करना चाहिए, कब भी कोई अगर इल्तिजा आती है मैं देखता हूं भाई इसके लिए मेरे में कोई हिदायत का हिदायत है क्या? नहीं हिदायत है तो मैं बोलता हूँ मैं गलत है, मैं बदल जाता हूँ, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, हिदायत नहीं है तो छोड़ देता हूँ, जवाब भी नहीं देता हूँ, जवाब भी नहीं देता हूँ, बाकी लोग माशाल्लाह जवाब देते रहते हैं। तो इसीलिए उसी तरीके से मीडिया मीडिया तो ये मीडिया अगर इस्लाम को बदनाम करना चाहती है, माशाल्लाह 6 साल पहले माशाल्लाह एक चैनल मौजूद में पीस टीवी, और पीस टीवी के जरिए माशाल्लाह पीस टीवी की देखने वाली तादाद है 10 करोड़ दुनिया भर, सारी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, हिंदुस्तान में, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। 25% गैर मुसलमान देख रहे हैं। उसके 2.5 साल बाद वजूद में आया पीस टीवी उर्दू, और माशाल्लाह अभी 11 महीने पहले वजूद में आया पीस टीवी बंगला। इरादा है अल्लाह कबूल करे कि दुनिया के कम से कम 10 अहम मजहबी जबानों में इसको कायम करे, और इसके जरिए माशाल्लाह सैकड़ों गैर मुस्लिम, हजारों लाखों जब देखते हैं माशाल्लाह। कभी भी मैं गैर मुस्लिम दुकान में जाऊंगा, अरे डॉक्टर साहब, अरे मुफ्त में ले लो, जाता हूँ कम, यहाँ किधर बाहर जाता हूँ, तो माशाल्लाह ये गैर मुसलमान जब मेरी तकरीर देखते हैं तो कभी भी मेरे दुश्मन नहीं बने। हो सकता है 1000 में से 1 बने, 1000 में से वही लोग जिसकी दुकान बंद हो रही है। तो कुछ गैर मुस्लिम की दुकान बंद होती ना, अरे इतना फायदा हो रहा है तकरीर करके, सही हिंदू तुम लोग जानने लगे तो मैं दुकान बंद हो जाएगी, सही ईसाई जानने लगे दुकान। मैं खुले तौर पे कहता हूँ भाई आओ स्टेज के ऊपर आओ, हम देखेंगे, हम इस मौजू के ऊपर जिक्र करेंगे, डायलॉग करेंगे, अगर गलत है तो गलत मान लें, ओपन क्वेश्चन एंड सेशन, हम प्लांट नहीं करते, हम चिट्ठी में नहीं मानते, खुल्ला खुल्ला पूछो, क्योंकि इस्लाम एक सही मजहब है, दीनुल हक है। अच्छा वीडियो था। और तो ये जो बात कही इन्होंने कि पीस टीवी को सबके पास पहुंचाना चाहते थे, पर बीच में ही ये बैन हो गया इंडिया में, और ये जो चैनल है पीस टीवी ये भी बंद हो गया। सिर्फ यूट्यूब पे जितना मौजूद है कंटेंट उतना ही है, और उतना ही लोगों को देखने को मिलता है। और उन्होंने एक बात कही कि उनके खिलाफ मुस्लिमों से, मतलब हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम खड़े हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। तो मेरे ख्याल से उनका मतलब इसी बात से है कि वो कहते थे कि जो दूसरे होते हैं मुस्लिम वो कुछ गलत तरीके से उनको बताते हैं कि ये सही इस्लाम है, और ये जो है सही इस्लाम की ओर लेके जाते हैं, और मतलब कहते हैं कि नबी को कुछ मत मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। तो इस वजह से मेरे ख्याल से दूसरे मुस्लिम को परेशानी होती है इनसे। वो तो सही बात है, क्योंकि हमें भी कमेंट में आता है अगर हम मतलब गलती से, मतलब हमें लगा ऐसा दोनों को, नबी भगवान है तो लोगों ने कमेंट में झट से कहा कि वो सिर्फ नबी है ना कि भगवान है, अल्लाह के पैगंबर है, रसूल है।
तो ये लोग भी मानते हैं और ये सिर्फ बताते हैं, इसीलिए लोग और ये बहुत अच्छी बात है यार कि एडिट करके वीडियो हाँ मेरे ख्याल से अपलोड करते होंगे, इसीलिए वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। और बयान को क्या होता है ना, एक वर्ड से अब एडिटिंग, और इन्होंने कहा था कि नबी से मांगना नहीं चाहिए, हराम है, यही हाँ, कहा था तो एडिट में हुआ कि नबी से नबी को मानना हाँ मानना हराम है हाँ, तो ये बहुत मतलब जो एडिट करता है उसका तो माइंड बहुत ही शातिर होगा इसीलिए उसने ऐसा एडिट किया। लेकिन वो जो बताते हैं वो कुरान के हवाले से बताते हैं और ना कि एक भी शब्द उनका मेरे ख्याल से अभी तक उनके जितने भी सुने हैं बयान और जितने दूसरी किसी की किताब से नहीं आए, कुरान को छोड़ कर और प्रूफ के साथ बताते हैं। और उन्हें जो वेद होते हैं वो भी पता है, भागवत गीता पता है और महाभारत की भी पता है, मतलब उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग शायद। और मुझे ये बात अच्छी लगी लोगों की जो इस्लाम को मानने वाले हैं कुछ कुछ, तो वो है ना नबी को कुछ भी नहीं मांगने देते, सिर्फ हाँ, अल्लाह से मांगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नबी को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि वो नमाज में ही पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मांगने के मतलब काबिल ही नहीं है, तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता के है, लायक है और अल्लाह ही तो सब कुछ दे सकता दे है, बाकी कोई तो नहीं दे सकता। बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि उनके सिवा किसी को भी नहीं मानते और जो नबी है वो सिर्फ पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है, अच्छे रास्ते पे इस्लाम को ले गए, सिर्फ उन्हें मानते हैं ना कि पूजा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इस्लाम धर्म की। तो बहुत अच्छा वीडियो था, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।